अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान है एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम बड़े इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आइए वाइट बोर्ड पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, कभी आपने इस चीज़ पे सोचा है कि अगर हम ये चाहें कि जितनी भी स्पीसीज हमारे अराउंड नजर आ रही हैं, चाहे वो प्लांट्स की हैं चाहे वो एनिमल्स की हैं, ये हमेशा रहे, और हम ये चीज कैसे अचीव कर सकते हैं, यानी कि हम इन प्लांट्स और एनिमल्स की सस्टेनेबिलिटी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं या कैसे इस चीज को पॉसिबल किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये दो तरह से पॉसिबल हो सकती है, या तो हर स्पीसी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और या फिर बार बार उस स्पीसी के मेंबर जो हैं वो दुनिया में आते रहे। तो अब लाइफ स्पैन किसी एक चीज, किसी एक इंडिविजुअल का ज्यादा करना, ये तो शायद इतनी वायबल चीज नहीं है। ऑल्दो कि हम इसको इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। जो चीज ज्यादा वायबल है वो ये है कि एक स्पीसी के मेंबर बार बार दुनिया में आते रहे। इसी अमल का नाम रिप्रोडक्शन है, यानी कि वो स्पीसी के इंडिविजुअल्स ऑलरेडी दुनिया में प्रोड्यूस हो चुके हैं, अब उनका बार बार इस दुनिया में आना इज बेसिकली रिप्रोडक्शन। तो हम रिप्रोडक्शन को सादा यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स रेप्लीकेट देमसेल्व्स, वो अपने आप को बार बार अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, अपने आप से अब बार बार अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करती हैं। इस अमल को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, याद रखिए कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये किसी भी स्पीसी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन में चीज डिस्कस की। ये रिप्रोडक्शन का अमल ही है कि जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स अपने जैसी कॉपीज बनाते हैं, जो कि फंक्शनली और स्ट्रक्चरली उन जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं, और फिर अल्टीमेटली उस स्पीसी की जो एग्जिस्टेंस है वो इसी अमल यानी कि रिप्रोडक्शन से मशरूत होती है। जैसा कि अभी हमने बात की कि ये जो किसी भी स्पीसी की जो सर्वाइवल है उसका जो इन्हिसार है वो इस रिप्रोडक्शन के ऊपर ही है, तो इसके एडवांटेजेस में से सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये एक स्पीसी के सर्वाइवल को एंश्योर करती है। उसके बाद अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन का अमल ही है जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग में आती है। जब ये जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अभी हम उनको आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे, तो जब ये जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज होता है तो उसकी वजह से जो अगला ऑफस्प्रिंग है वो उसके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम उस स्पीसी की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती हैं, उस इंडिविजुअल की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशंस है ये इसी रिप्रोडक्शन के अमल के दौरान ही बेसिकली प्रोड्यूस होती है या अकर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्हीं जेनेटिक वेरिएशन की वजह से अब जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो जो नया बदलता हुआ एनवायरमेंट है उसमें बेहतर तरीके से अडेप्ट कर सकेंगे या सर्वाइव कर सकेंगे, तो इसका इनको सर्वाइवल एडवांटेज होगा इन जेनेटिक वेरिएशंस का। फिर अगर हम डिजीज अक्रेंस की बात करें तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो कि ये चीज बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर फिर भी देखी जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे इंडिविजुअल का काउंट ज्यादा होता है सारी पॉपुलेशन का एक ही वक्त में उस डिजीज से अफेक्ट होना कदरे मुश्किल होता है। एक खास एरिया के अंदर तो डिजीज अफेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो उसमें सबका एक डिजीज से एक ही वक्त में अफेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। अभी आपने रिसेंटली एक चीज देखी होगी कि जब कोविड ये शुरू हुआ, जो कोरोना वायरस डिजीज है, तो उसके रिजल्ट में ऑलरेडी के
पूरी दुनिया में लोग सफर हुए, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम ये कह सकें कि अब 100% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज कोविड पॉजिटिव। तो ये जितने एक स्पीसी के अंदर अफराद या उसके मेंबर्स का नंबर ज्यादा होता है या एक पॉपुलेशन ज्यादा होती है, उतनी ही ज्यादा उसकी सस्टेनेबिलिटी या उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर गॉड फॉरबिड उसमें से कुछ लोग खत्म हो भी जाएं तो उनके रिजल्ट में वो नस्ल मादूम नहीं होगी, बल्कि उसके कुछ मेंबर रहेंगे जो कि दोबारा जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीसी अपनी रिप्रेजेंटेशन एक सोसाइटी के अंदर या एक ग्लोब के ऊपर बहाल कर लेगी। तो ये बेसिकली बड़े की एडवांटेजेस हैं इस अमले तौलीद या जिसको हम रिप्रोडक्शन का अमल कहते हैं उसके। डियर स्टूडेंट, ये जो रिप्रोडक्शन का अमल है हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और दूसरा जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी हम इनको बारी बारी जरा तफसील में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिंगल पेरेंट होता है और वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, आपने दो तरह की सेल डिवीजन पढ़ी हुई है, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन होती है, जबकि माइटोसिस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एज इट इज रेप्लिकेट करता है, उसमें कोई रिडक्शन नहीं होती। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो सिंगल पेरेंट है वो इस माइटोसिस के अमल के थ्रू डिवाइड करता है इंटू इट्स ऑफस्प्रिंग्स। और इसकी खास बात यह है कि इसमें जो टोटल क्रोमोसोम कंटेंट है, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम या उनका जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो जीन्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो एज इट इज कॉपी होंगी जैसे कि वो उस पेरेंट के अंदर प्रेजेंट थी। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल अपने पेरेंट से सिमिलर होगा, देखने में भी और अपनी डिफरेंट ट्रेट्स में भी। अब अगर हम इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले आएगी जिसको हम कहते हैं फिशन। इसकी फिर दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बाइनरी फिशन कहते हैं और दूसरी इसकी टाइप है मल्टीपल फिशन। ये हम अभी तफसील में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरी टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज स्पोरुलेशन। देन बडिंग, देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके बाद आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन देन कम्स पार्थेनोजेनेसिस और फिर उसके बाद आ जाती है जिसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फिशन, स्पोरुलेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, देन पार्थेनोजेनेसिस एंड देन एपोमिक्सिस। अब हम वन बाय वन जरा एक ब्रीफ से तरीके से इन सारी टाइप्स का ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फिशन को। फिशन इज बेसिकली द स्प्लिटिंग ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या कोई एक ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर
सेपरेट डॉटर सेल्स। जैसे अगर ये एक इंडिविजुअल है और उसके बाद जब इसमें फिशन हुई या हुआ तो उसके बाद इसमें डिवीजन हुई, फॉर एग्जांपल ये इसका न्यूक्लियस है, ये डिवीजन होने के बाद अल्टीमेटली टू इंडिविजुअल्स में ये बन गया, इस प्रोसेस को हम फिशन कहते हैं। लेकिन अगर ये दो की बजाय मल्टीपल इंडिविजुअल्स या डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए तो एस होगा ये प्रोसेस फिशन का ही, लेकिन ये इसकी दूसरी टाइप आ जाएगी जिसको अगर आपको याद हो तो हमने मल्टीपल फिशन कहा था। हमने दो तरह की फिशन पढ़ी थी सिर्फ एक नाम के तौर पे, एक थी बाइनरी फिशन जिसकी मिसाल यहां पे है, दिस इज बाइनरी फिशन, और मल्टीपल फिशन में एक इंडिविजुअल जो है वो मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड होता है। याद रखिए कि ये जो फिशन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहां पिक्चर में भी इसकी मिसाल आप यहां पे देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली फिशन, और यहां पे जो अमल दिखाया जा रहा है ये बाइनरी फिशन है। अब ये जो फिशन का अमल है ये आपको बैक्टीरिया में मिलेगा। बैक्टीरिया जो है, ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर मल्टीपल फिशन की बात की जाए तो ये आपको प्रोटोजोआस में मिलेगा। प्रोटोजोआस जो है वो मल्टीपल फिशन से डिवाइड करते हैं, और इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर एल्जीज हैं, यूनिसेलुलर एल्जी ये भी इस मल्टीपल फिशन से डिवाइड करती है। अमीबा भी जो है विच इज द प्रोटोजोआ, ये अनफेवरेबल कंडीशन में करते क्या है कि ये अपने अराउंड एक सिस्ट बना लेते हैं और उस सिस्ट में से फिर ये डिवाइड होते रहते हैं, और अल्टीमेटली जब सिस्ट रप्चर होती है तो मल्टीपल जो अमीबी हैं वो रिलीज होते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ बेसिकली मल्टीपल फिशन। नेक्स्ट मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज स्पोरुलेशन। इसको हम सादा इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एडल्ट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस सिंगल सेल्ड डिप्लॉइड 2n जिनमें क्रोमोसोम नंबर डबल्ड है स्पोर्स दैट ग्रो इनटू एडल्ट्स बाय देमसेल्व्स। यानी कि एक इंडिविजुअल जो है, जो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म है, वो डिप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सिंगल सेल एडल्ट ऑर्गेनिज्म है, इसने यहां पे ये 2n जो स्पोर्स हैं यहां बनाए, और उसके बाद जब ये बर्स्ट हुआ तो ये स्पोर्स यहां से रिलीज हो जाएंगे। अब इनमें से हर एक स्पोर इंडिविजुअली जब ड्रॉप होगा तो वो इनटू एन एडल्ट ग्रो कर सकेगा। इस पूरे प्रोसेस का नाम स्पोरुलेशन है। अब बहुत सारे जो स्पोर्स हैं वो इस तरह सैक में स्टोर हो जाते हैं और इस सैक को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया बेसिकली वो सैक है जिसमें ये जो स्पोर्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं, और फिर जब ऑप्टिमम कंडीशंस आती हैं ये स्पोरेंजिया बस्ट करता है और उसके रिजल्ट में जो इंडिविजुअल स्पोर्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। स्पोरुलेशन के बाद जो अगली टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बडिंग। बडिंग में एक्चुअली क्या होता है, दिस इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू इंडिविजुअल डिवेलप्स फ्रॉम सम जेनरेटिव एनाटॉमिकल पॉइंट्स ऑफ द
पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी के फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है तो इसकी बॉडी के ऊपर कोई खास ऐसा पॉइंट होगा जहां से न्यू इंडिविजुअल जनरेट हो सकता है, जिसको हम यहां पे जेनरेटिव एनाटॉमिकल पॉइंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां पे एक चीज याद रखिए कि ये सिर्फ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर वो सारी मशीनरी प्रेजेंट होती है जो कि एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सके। यही चीज आप यहां पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जैसे ये एक इंडिविजुअल है, यहां पे ये इसका जर्मिनेटिव पॉइंट है, और यहां से फिर जब ये एक बड बनेगी तो ये फिर एज अ इंडिविजुअल वो ग्रो करेगी। इस प्रोसेस को हम बेसिकली बडिंग कहते हैं। यहां पे एक चीज याद रखिए कि कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें ये जो जनरेटिव एनाटॉमिकल पॉइंट है ये बॉडी में कुछ खास जगहों के ऊपर लोकेटेड होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी स्पीसीज हैं जहां पे ये जो जनरेटिव एनाटॉमिकल पॉइंट है ये पूरी बॉडी में कोई भी रीजन हो सकता है, वो उनमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया इसी मेथड से डिवाइड करते हैं, इसके अलावा यीस्ट या जिसको ईस्ट भी प्रोनाउंस किया जाता है वो भी बडिंग से डिवाइड करते हैं, इसके अलावा फिर कोरल्स भी हैं, इसके अलावा फ्लैट वर्म्स, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसको हम जेलीफिश कहते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत कॉमन है, आप लोग इसका काफी नाम सुनते हैं। तो बैक्टीरिया, ईस्ट, कोरल्स, फ्लैटवर्म्स और जेलीफिश, ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं या स्प्लिट होते हैं इनटू ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये भी बेसिकली एक एसेक्सुअल मेथड है प्लांट रिप्रोडक्शन का। अच्छा, अब ये होता कहां पे है, ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिए, इट अकर्स इन लीव्स देन रूट्स एंड इन स्टेम्स। अब ये एक्सप्लेनेशन बड़े ध्यान से आपने देखनी है, दिस कैन अकर थ्रू फ्रेगमेंटेशन, यानी कि दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन अकर थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड देन रीजनरेशन ऑफ द स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर आप इस फिगर पे गौर करें जरा, तो यहां पे आप देखें ये एक जैसे पौधा बना हुआ है, इसमें ये इसका एक पार्ट है, ये पैरेलल टू द ग्राउंड रन कर रहा है, उसके बाद इसमें से ये स्प्राउटिंग होना शुरू हो गई एक न्यू प्लांट की, और इसकी जो दूसरी साइड है जो कि फेसिंग सॉइल है वहां से इसकी ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पे बनना शुरू हो गए हैं, और फिर इवेंचुअली ये चीज दोनों साइड्स पे ग्रो करेगी, यानी कि ऊपर की तरफ प्लांट ग्रो करेगा और नीचे की तरफ उसकी जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो ग्रो करेंगी, और इवेंचुअली ये जो है एक न्यू प्लांट के तौर के ऊपर, एक इंडिविजुअल प्लांट के तौर के ऊपर ये सामने आएगा। तो ये बेसिकली पेरेंट प्लांट था जिसका कोई एक पार्ट जैसे या स्टेम वो पैरेलल टू दी ग्राउंड रन करना शुरू हुआ, उसमें कुछ खास एरियाज थे, अगेन ये जनरेटिव पॉइंट्स हैं, ये सॉइल में बरी हुए, अटैच हुए उसके साथ, वहां से रूट्स प्रोड्यूस होना शुरू हुई और ऊपर की तरफ स्टेम प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, अल्टीमेटली ग्रोथ होती गई और फिर इवेंचुअली ये एक इंडिविजुअल प्लांट यहां पे ग्रो कर गया। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत सी फूड क्रॉप्स ऐसी हैं जो कि इसी मेथड से रिप्रोड्यूस करती हैं, जिनमें स्वीट पोटैटोज आ जाते हैं,
इसके बाद शुगर केन है, उसके बाद पाइन एप्पल है, देन बनाना एंड अनियन वगैरह। तो ये वो सारी क्रॉप्स हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं। आपने स्वीट पोटैटो को भी देखा होगा कि उसका एक खास एरिया जमीन में भरी कर दिया जाता है और फिर वो एक इंडिविजुअल प्लांट में आ जाता है। इसी तरह शुगर केन में भी वो जो पूरा पूरा स्टेम होता है शुगर केन का, उसको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उन फ्रेगमेंट्स के अंदर वो खास जनरेटिव पॉइंट्स लोकेटेड होते हैं जहां से इंडिविजुअल्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। अच्छा जी, अब ये जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है ये भी बेसिकली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इस टाइप की प्लांट रिप्रोडक्शन में एक्चुअली ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व होती है, यानी कि इसमें इंसानी अमल दखल होता है। इसके थ्री मेजर मेथड्स हैं जो कि बड़े कॉमन हैं। नंबर वन जिसको हम कटिंग कहते हैं, देन इज लेयरिंग, एंड नंबर थर्ड इज ग्राफ्टिंग। अब मैं आपको वन बाय वन इन सारे मेथड का एक ओवरव्यू देता हूं कि एक्चुअली ये कटिंग, ये लेयरिंग और ये ग्राफ्टिंग बेसिकली चीजें क्या है। डियर स्टूडेंट, जो ये आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में जो कटिंग है, इट इज बेसिकली ए मेथड इन विच द डिटैच्ड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ऑन सेपरेशन एंड प्लांटिंग इज एबल टू रीजनरेट द मिसिंग पार्ट्स एंड डेवलप इटसेल्फ इनटू ए न्यू प्लांट। तो डियर स्टूडेंट, इस पिक्चर में अगर आप देखें, ये एक इंडिविजुअल प्लांट है और यहां उसका थोड़ा सा हिस्सा, जैसे यहां ये दिखा रहे हैं, इसको इस मेन प्लांट से डिटैच किया, उसके बाद इसको इस डिटैच्ड पार्ट को दोबारा ग्रो करवाया गया और फिर ये अल्टीमेटली इनटू एन एडल्ट प्लांट ये ग्रो कर जाएगा। तो इस प्रोसेस का नाम कटिंग है। ये जो पार्ट इससे डिटैच हुआ था, ये वाला पार्ट, इसके अंदर वो सारी असेंबली और वो सारी मशीनरी मौजूद थी जो कि किसी भी इंडिविजुअल प्लांट को इंडिपेंडेंटली ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। कटिंग के बाद आ जाता है लेयरिंग। लेयरिंग में बेसिकली क्या होता है कि ये जैसे आप इस पिक्चर में देखें, ये एक प्लांट है, इसका स्टेम ही दोबारा ग्राउंड में बरी हुआ और फिर उसके बाद वहां से रूट्स डेवलप हुई और उसके बाद ये इंडिविजुअल प्लांट वहां से डेवलप हो गया। इस प्रोसेस का नाम बेसिकली लेयरिंग है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? लेयरिंग इज बेसिकली ए टेक्निक ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन वेयर द न्यू प्लांट रिमेन्स एट लीस्ट पार्शली अटैच्ड टू द मदर प्लांट व्हाइल फॉर्मिंग न्यू रूट्स एंड कैन अकर नेचुरली थ्रू मॉडिफाइड स्टेम स्ट्रक्चर्स। यानी कि इसमें ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो नया प्लांट बनेगा, ये समहाउ अपने मदर प्लांट के साथ अटैच होगा। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको बेसिकली ज्वाइन कर दिया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहां पे ये जो स्टेम है ये एक प्लांट से है और उसके बाद ये वाला पोर्शन एक दूसरे प्लांट से है। इन दोनों सेगमेंट्स को अल्टीमेटली यहां पे ज्वाइन कर दिया गया है। अब ये जो नया प्लांट बनेगा उसमें इन दोनों प्लांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें आएंगे। ये प्रोसेस जो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है ये बेसिकली बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज होता है कि जिसमें जो दो प्लांट्स ऐसे जिनमें एक फर्ज करें पेस्ट को रेजिस्ट करता हो और दूसरा बड़ा अच्छा फ्रूट प्रोड्यूस करता हो, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर उसके नतीजे में वहां से जो न्यू प्लांट बनता है वो
दोनों करेक्टरिस्टिक के साथ होता है। ये चीज याद रखिए कि ग्राफ्टिंग हमेशा एक स्पीसी के अंदर होती है, यानी कि अगर आप मैंगो के अंदर अपने ही प्लांट में यानी कि मैंगोज ही में ये ग्राफ्टिंग का अमल हो सकेगा। इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि ग्राफ्टिंग इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्लांट प्रोपेगेशन दैट जॉइंस प्लांट पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स टुगेदर सो दे विल हील एंड ग्रो एज ए न्यू प्लांट। आप में से जिन लोगों ने घर में रोज प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं उनमें ये जो ग्राफ्टिंग है ये बड़ी कॉमन यूज होती है। अगर एक नया रोज ग्रो करवाना हो तो दो प्लांट से, अगर फर्ज करें एक ऑलरेडी ग्रोन रोज है उसके साथ बेसिकली एक दूसरा जो कि अच्छा फ्लावर प्रोड्यूस करता हो उसकी कोई स्टेम लेके काट के उसको इसके साथ यहाँ ग्राफ्ट करवा दिया जाता है और अल्टीमेटली ये जो न्यू इंडिविजुअल बनता है इसमें बेटर फ्लावरिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो ये बेसिकली प्रोसेस ग्राफ्टिंग कहलाता है। इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है क्रॉप प्रोडक्शन में या ये हॉर्टिकल्चर में इसकी बड़ी ऑप्शन है, बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस तरह जो फ्लावरिंग इंडस्ट्री है उसमें इसकी बहुत ज्यादा एडवांटेज है और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहां तक उम्मीद है कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी डिफरेंट टाइप्स और उनकी जो थोड़ी थोड़ी हमने डिस्क्रिप्शन दी है उसकी मदद से आपको उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। आइए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजली टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनमें एक मेल है और दूसरा फीमेल होती है। मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं खास तरीके से जिस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है तो उसके रिजल्ट में एक नया ऑफस्प्रिंग जो है वो वजूद में आता है। इस प्रोसेस का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो उससे पहले मियोसिस आती है जिसकी वजह से जो क्रोमोसोमल नंबर है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाता है यानी कि हैप्लॉइड हो जाते हैं। इसके साथ साथ यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी भी शफलिंग होती है, उसमें भी चेंजेस आती हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है जिसके रिजल्ट में न्यू वेरिएशन आती है जेनेटिक मटेरियल के अंदर। इन्हीं वेरिएशन की वजह से रिकॉम्बिनेशन जीन्स बनती हैं, यानी कि जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो जो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो अल्टीमेटली दोबारा 2n हो जाते हैं जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोबारा रीस्टोर हो जाता है यानी कि क्रोमोसोमल नंबर भी रीस्टोर हो जाता है और इसके साथ साथ एक एडिशनल बेनिफिट जो मिल रहा होता है दैट इज जेनेटिक वेरिएशंस का। वो जो नए जीन के कॉम्बिनेशंस बने होते हैं उसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। ये जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं ये यूजुअली अडेप्टेबिलिटी को एनहांस करती हैं, सर्वाइवल को एनहांस करती हैं। डियर स्टूडेंट यहां पे एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि ये जो रिप्रोडक्शन का अमल है ये एक स्पीसी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, तो यहां पे ये चीज जरूर याद रखिएगा कि एक स्पीसी का जो सर्वाइवल है वो उसके इंडिविजुअल्स के सर्वाइवल से मशरूत होता है। जितना अच्छा इंडिविजुअल्स का सर्वाइवल होगा अल्टीमेटली यही इफेक्ट पूरी स्पीसी लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट होगा और जिसका ग्रॉस इफेक्ट जो नजर आएगा दैट इज द बेटर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसी। यहां पे डियर स्टूडेंट वर्थ मेंशनिंग है द फिनोमेना ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इन प्लांट्स। ये बेसिकली जो टर्म है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इट डिस्क्राइब्स ए प्लांट्स लाइफ साइकिल एज इट ऑल्टरनेट्स बिटवीन ए सेक्सुअल फेज और जनरेशन एंड
एंड एसेक्सुअल फेज। डियर स्टूडेंट, यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑल्दो इसके रिजल्ट में जो इंडिविजुअल है उनका नंबर बड़ी तेजी से इंक्रीज होता है, और वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने पेरेंट के बिल्कुल जेनेटिकली सेम मॉडल के ऊपर आगे आते हैं, या वो एक सेम मॉडल के ऊपर ग्रो करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये कोई एक बहुत अच्छा अडेप्टिव मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए इसमें समटाइम्स जो इंडिविजुअल का सर्वाइवल है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और जब इंडिविजुअल का सर्वाइवल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो ये इफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे स्पीसी के लेवल के ऊपर भी देखने में आता है। इसलिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सर्वाइवल ऑफ द स्पीसी के लिए बहुत अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता। ह्यूमन बीइंग ने ये जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इसको अपने फायदे के लिए बहुत ज्यादा टेलर कर लिया है, या बहुत ज्यादा इसको यूज किया है। जैसे आप प्लांट्स में भी देख सकते हैं कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिनमें ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, इसको बड़ा कॉमनली यूज करते हैं। इसी तरह अगर एनिमल की बात की जाए तो वहां पर क्लोनिंग का मैथड अब बहुत तेजी से रुझान पा रहा है, जिसमें एक इंडिविजुअल के जेनेटिकली सिमिलर रेप्लिकेट्स बनाए जाते हैं। क्लोनिंग का मेथड यही है ना, आपने सुना होगा कि इसमें एक इंडिविजुअल होता है, उसके जेनेटिकली सेम आगे से उसकी फोटोकॉपीज बनती जाती है, इसी मेथड का नाम बेसिकली क्लोनिंग है। इसमें जो इंडिविजुअल है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग आते हैं, वो बिल्कुल सेम जेनेटिक मेकअप पे होते हैं एज टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। अब इसकी वजह से जहां इसके फायदे हैं वहां इस पे कुछ नुकसान भी हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं इस क्लोनिंग के मेथड की। इस क्लोनिंग के रिजल्ट में जो इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं उनमें सबसे पहला जो इशू आता है, दैट इज द इशू ऑफ एजिंग। वो वक्त से पहले उनमें बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। बुढ़ापा मतलब कि उनके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो वक्त से पहले या नॉर्मल तरीके से पैदा हुए हुए ऑफस्प्रिंग के कंपैरिजन में जल्दी वो अपने एजिंग प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं, अपना टाइम पूरा कर जाते हैं। इसके अलावा ऑल्दो के उनमें जो ये क्लोनिंग के रिजल्ट में इंडिविजुअल्स आते हैं इनमें ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिड होती है, लेकिन इनमें एनवायरमेंट के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो होती है। लो रेजिस्टेंस टू द एनवायरमेंट, और जिसके रिजल्ट में अल्टीमेटली एक एनवायरमेंट के अंदर इनका जो सर्वाइवल है वो फिर कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारे रिलीजन्स में, बहुत सारी सोसाइटीज में इसको अभी सोशली और मॉरली बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जहां पे इनको बहुत ज्यादा क्लोनिंग के मेथड को सपोर्ट नहीं किया जाता। इसी तरह बहुत सारे रिलीजियस भी ऐसे कंपोनेंट है, बहुत ज्यादा ऐसे रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से क्लोनिंग जो है वो अंदर डिबेट रहती है। अच्छा जी, अब अगर इस टॉपिक में से हम क्वेश्चंस की बात करें, एक तो डियर स्टूडेंट याद रखिए कि ये जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया इसको आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसको बुक से बड़े ध्यान से समझना है। मैंने आपकी आसानी के लिए यहां पे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो ना सिर्फ लेक्चर में बोली हैं बल्कि उनको यहां आपके सामने स्क्रीन पे भी पेस्ट कर दिया ताकि वो आपको शो होती रहे और आप उनको बार बार नोट करके रिवाइज कर सके। इसके बाद इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत सारी बन सकती हैं, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इसमें से आ ही सकते हैं। जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे फिशन की डेफिनेशन है, स्पोरुलेशन की है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बल्कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इन्हीं डेफिनेशंस को थोड़ा सा चेंज करके एक इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से की कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया होगा और नोट डाउन भी किया होगा। इस टॉपिक को एक दफ़ा डिटेल में अपने बुक से पढ़िएगा, और अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।